स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आरतीज लाइफस्टाइल में। हमने अपने चैनल में पहले बहुत सारे नॉनवेज स्टार्टर्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए लिंक ऊपर दिया हुआ है। हमारे काफी सारे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पे आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर टिक्का, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस जैसे जैसे मैं बताती जा रही हूँ आप बस वो स्टेप्स फॉलो करते जाएं और बन जाएगा बहुत ही टेस्टी खाने वाला पनीर टिक्का। बिफोर वी स्टार्ट अ स्पेशल रिक्वेस्ट, अभी भी हम 1000 सब्सक्राइबर्स से काफी दूर हैं, तो जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए बनाते हैं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए नींबू, दही, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, सरसों का तेल, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, पनीर, कटे हुए वेजिटेबल्स और अदरक लहसुन का पेस्ट। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। पनीर को मैरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप दही, 3/4 चम्मच नमक, 3/4 चम्मच पिसा लाल मिर्च, 3/4 चम्मच चाट मसाला, 3/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 3/4 चम्मच धनिया पिसा हुआ। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इस मिश्रण में 1/2 नींबू का रस डालेंगे। एक बर्तन में 3/4 कप सरसों का तेल डालकर उसे गर्म कर लें। तेल में धुआं आने तक इसे पकाएं और इस गर्म तेल को मिश्रण में डाल दें। सरसों का तेल डालते ही मिश्रण में कुछ इस प्रकार के बुलबुले आएंगे, ये आपके मसाले को और ज्यादा स्वादिष्ट और पनीर टिक्का को ज्यादा खूबसूरत बना देगा। अब एक चम्मच से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने पहले से ही 1/2 किलो पनीर कुछ इस प्रकार से टुकड़े करके रखे थे। पनीर पर इस मिश्रण को अच्छे से लगा लें। अब डालें इसमें कटी हुई सब्जियां, जैसे 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज। सब्जियों को भी इस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कर लें। पनीर टिक्का के लिए अब ये मिश्रण पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ इसको 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। आधे घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सीख तैयार करेंगे, एक एक करके सब्जियां और पनीर इसमें लगाएंगे कुछ इस तरह। अब कोयले की अंगीठी तैयार कर लें और अपने पनीर टिक्का के सीखों को उस पे रख दें। समय समय पर इस तरीके से बटर को स्प्रेड करते हैं। वैसे तो आप पनीर टिक्का इलेक्ट्रिक तंदूर में भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर फ्राई पैन पे भी, लेकिन कोयले में ग्रिल करे हुए पनीर टिक्का का फ्लेवर ही कुछ और आता है। चारों तरफ से इन सीखों को समय समय पर घुमाते रहें ताकि पनीर जो है अच्छे से रोस्ट हो जाए। लगभग 10 मिनट बाद ये पनीर टिक्का तैयार है। सर्व इट विद ग्रीन चटनी एंड सम लेमन। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।